अगर आप भी एक ईयरफोन सर्च कर रहे हो जिसमें आपको अच्छी साउंड क्वालिटी, माइक क्वालिटी एंड वायर क्वालिटी अच्छी मिल जाए बेसिकली, वो भी 500 के बजट में, तो यार ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको अच्छे ब्रांड्स की तरफ से जो भी अच्छे ईयरफोन्स मिलते हैं उनके बारे में बताऊंगा। एंड वीडियो को एंड तक वॉच करना, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे को कौन से पर्सनली बेस्ट लगे ईयरफोन्स। एंड अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो हमारी लिस्ट में ईयरफोन है वो है बोट की तरफ से। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना तो इसका जो डिज़ाइन है वो मेरे को काफ़ी यूनिक सा लगा, काफ़ी स्टेबल सा स्टाइल है, बिकॉज ये अलग से एक्स्ट्रा रबर बैंड प्रोवाइड करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। बट यार इसमें ये है ना कि कई लोगों को ये सूटेबल रहता है और कई लोगों को ये लॉन्ग आर्स में अगर वो यूज़ करते हैं तो उनको डिफ़िकल्टी आती है, तो इसलिए मैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना उसको एवरेज रेट करता हूँ, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर मैं वायर क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी वायर क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इजीली अनटैंगल हो जाती है। इसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो एंड आपको वॉल्यूम कम या ज़्यादा करनी है तो आप डायरेक्टली ईयरफोन्स के थ्रू कर सकते हो। इसकी बेस क्वालिटी भी ठीक ठाक है, साउंड क्लैरिटी भी अच्छी है इसमें। साउंड क्लैरिटी से मेरा मतलब है कि वोकल और इंस्ट्रूमेंटल क्लैरिटी कैसी होगी वो भी मेरे को ठीक लगी इसमें। एंड जो माइक क्वालिटी का सुनना तो वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, अगर आप एक नॉइसी एरिया में हो एंड अगर आप इसका माइक यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे तो ये काफ़ी हद तक जो एक्स्ट्रा नॉइस होती है, बैकग्राउंड नॉइस होती है, उसको हटा देता है बेसिकली। तो ये प्रोडक्ट भी आपको अराउंड 500 के आसपास में देखने को मिल जाएगा एंड इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि है JBL की तरफ से। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी का करूँ ना तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, वायर क्वालिटी मेरे को एवरेज ही लगी, बिकॉज ये ना इजीली अनटैंगल नहीं हो पाती, मतलब यहाँ पर थोड़ा आई थिंक इस ईयरफोन में मेरे को थोड़ा सा यही एक ड्रॉबैक लगा कि जो वायर क्वालिटी ना वो इतनी अच्छी नहीं है जो आपको अदर ईयरफोन से मिल जाएगी। बेस क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इसमें, साउंड क्लैरिटी भी ठीक ठाक है एंड माइक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको अराउंड 500 के बजट में देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयरफोन की तरफ जो कि है रियलमी की तरफ से। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना तो मेरे को बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी एंड वायर क्वालिटी भी काफ़ी सही थी इसमें, ईजिली अनटैंगल हो जाती हैं ईयरफोन्स। एंड इसकी जो बेस क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी है, जो आपको डीप एंड पंची इफेक्ट्स वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साउंड क्लैरिटी काफ़ी सही थी एंड माइक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो यार ये ईयरफोन भी आपको अराउंड 500 के बजट में देखने को मिल जाएगा एंड इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है मैंने। तो यार अगर मैं बात करूँ ना कि मेरे को सबसे अच्छा ईयरफोन इन तीनों में से कौन सा लगा, यार वो था रियलमी का, बिकॉज उसमें मेरे को कोई ड्रॉबैक नहीं लगा अभी तक। जो 500 के बजट में जो उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है ना, वायर क्वालिटी, माइक क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी, तीनों ही फील्ड्स में ना उस ईयरफोन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सेकंड नंबर में मैं बोट को रखूँगा, बिकॉज मेरे को लगता है कि वायर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तो बोट को या फिर JBL को आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंगली सेकंड नंबर पर रख सकते हो, बट पर्सनली मैं बोट को सेकंड नंबर रखूँगा एंड थर्ड पर JBL को, बिकॉज उसका सिंपल सा एक ही ड्रॉबैक है JBL का कि उसकी वायर क्वालिटी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी। तो यार होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।